सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल जम्मू रोवर्स। सो गाइस यार आज हम आए हुए हैं जानीपुर, क्योंकि हमें जो पहले मैंने अपनी काइट्स वीडियो बनाई थी उसमें काफ़ी सारा कमेंट आए हुए थे कि यार हमारे एरिया से बनाओ, हमारे एरिया से बनाओ। तो मैं खुद वैसे मतलब रहता हूँ, तो इसलिए मैंने जानीपुर एरिया से यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए काइट की। तो हमारे जानीपुर में जो है यहाँ पे दो शॉप जो हैं वो काफ़ी फेमस हैं, ठीक है। तो उनमें से एक शॉप जो है ये पीछे जो राजा काइट हाउस है, मैं यहाँ इनके पास आया हूँ। तो वीडियो आपको दिखाने से पहले हम आपको कुछ थोड़े स्क्रीनशॉट्स वगैरह दिखाएंगे यहाँ पे, उसके बाद जो भैया जो शॉप के ऑनर है राजा भैया उनसे ही बात करवाएंगे कि कौन कौन सी डिफरेंट डिफरेंट काइट्स हैं। और राखी तो हो गई है यार, अब जन्माष्टमी आने वाली है, तो जन्माष्टमी पे जो काइट्स के क्या रेट्स वगैरह हैं जो जो भी है वो हम राजा भैया से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को देखने से पहले, ये मेरा भाई है मेरे साथ, ठीक है, तो इसको भी लाए हम साथ में। तो तब तक आप थोड़े सिनेमैटिक वगैरह एंजॉय करो काइट्स के, तो उसके बाद हम सीधा भैया से अंदर शॉप के अंदर चलेंगे और भैया से बात करेंगे, ठीक है गाइस। मेरी शॉप का एड्रेस जो है ये है जानीपुर मेन स्टॉप राजा आइस एंड काइट शॉप। जैसे कि काइट का आपको पता है जम्मू में 30-40 डेज का सीजन होता है, और जबकि हमारा जो मेन है वो है आइस का, वो हमारा 12 मंथ चलता है, ठीक है। मगर काइट जो है वो बेसिकली आप हाँ सीजन पे है, मेरे को 14 ईयर हो गए हैं, एवरी सीजन लगाता हूँ मैं, ऐसा नहीं कि मैंने कोई सीजन मिस किया है। हाँ काफ़ी सारे बंदे मेरे को जानते हैं बाहर भी, जैसे मैं सिटी में जाता हूँ, तो अब 14 ईयर हो गए मुझे इस फील्ड में पड़े हुए, तो मैक्सिमम मुझे सब जानते हैं। तो भैया जो काइट्स का जो प्राइस है ये आपकी शॉप में मतलब कहाँ से स्टार्ट होगी? ये मेरी शॉप में स्टार्ट होगी आपकी पोनी पतंग से, जैसे कि ये है, ये आपकी आ गई तिरंगी, ठीक है, ये तिरंगी आ गई, ये आती है ऐसे सिंगल रुपीज़ 10 का है, ठीक है, ये बटर पेपर में आ गई, ये हम देते हैं डजन 100 रुपये की, ठीक है, 100 की 12। इसमें काफ़ी वैरायटी है, बटर पेपर आ जाएगा, गुड्डी आ जाएगी, काटू आ जाएंगे, फिर उसके बाद आता है हमारा ये वाला साइज काइट आ गई, ये हमारी तावी काइट आती है, ये 20 का एक पीस है, ठीक है, तो ये हम देते हैं 200 रुपये दर्जन, 200 रुपये सिंगल लेंगे तो 20 रुपीज़ की, चाहे आप हाफ डजन ले लो वो आपको 100 की पड़ जाएगी, उसमें सेट होते हैं, जैसे कि डजन है वो तीन सेट आएंगे आपके, चार का सेट होता है, फिर चाहे आप इसमें काटू ले लो, ठीक है, पाकिस्तानी डिज़ाइन गुड्डे हैं आगे और गुड्डे हैं, जैसी मर्जी जैसे कस्टमर की हो, ठीक है, फिर देन उसके बाद आती है हमारी डेढ़ तावा ये साइज होता है डेढ़ तावे का, ठीक है, हाँ ये 30 का पीस है, और किसी ने डजन के हिसाब से लेनी है चाहे हाफ डजन, उसको पड़ेगी 300 की, ठीक है, हाफ डजन 150 की, मतलब 25 का पीस पड़ेगा उसको, सिंगल पीस अगर ले रहा वो 30 का, और अगर डजन के हिसाब से लेनी हो तो 25 का पीस पड़ेगा, वो 300 रुपया डजन पड़ेगी, ठीक है। देन उसके बाद हमारा आता है ये तीन तावा, ये है तीन तावा, हाँ ये पाकिस्तानी है सारा, ठीक है, ये मैं जम्मू में आई एम द फर्स्ट पर्सन जिसने प्योर पाकिस्तानी डिज़ाइन जम्मू में लाया था, जो पाकिस्तानी डिज़ाइन है वो जानी मगर आपकी शॉप मेरी मेरे पास जब ये स्टॉक आया था ना मेरा आया था ये
जून, फर्स्ट ऑफ जुलाई को आया था मेरा स्टॉक। कौन से ईयर की बात है? इसी साल की। अच्छा, इसी साल। तब हमारे हमारे जम्मू में किसी के पास ना 6 तावा था, ना 3 तावा था, ना 4 तावा। ठीक है। क्योंकि मैं ये वाला जितना भी है ना स्टॉक, ये सारा अमृतसर से रेडी करवाता हूँ। मैंने खुद स्क्रीन शॉट मार मार के, जब मैं खुद एक काइटल लवर हूँ, ठीक है, जब मैं देखता था वीडियोज में, पाकिस्तान के वीडियोज देखता था अमृतसर के, तो हमारा भी मन करता यार ये डिज़ाइन हमारे जम्मू में भी हो, क्योंकि हम देख के इतना मन करता था, इतना खुशी मिलती थी यार क्या डिज़ाइन है। फिर वो मैंने स्क्रीन शॉट मारना स्टार्ट किए, देन मैं खुद अमृतसर में मैंने विजिट किया अप्रैल में, वहाँ मेरी बात हुई, ठीक है, रेट हुआ। मैंने जब कारीगर को बोला कि मुझे ऐसी चीज़ चाहिए, उसने बोला बन जाएगी, और वही चीज़ बनके मेरे पास आई थी फर्स्ट ऑफ जुलाई को। जब भी 6 तावा पूरे जम्मू में नहीं था किसी के पास, मेरे पास उस टाइम पे 6 तावा था, फुल फैंसी पाकिस्तानी। अभी दिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि अभी मेरे पास स्टॉक लिमिटेड है, ये वन टाइम बना था मेरा राखी तक, तो अब सेल हो चुका है राखी पे, आपको पता काफ़ी, अब मेरे पास बिल्कुल लिमिटेड स्टॉक है। अब जितने भी डिज़ाइन मेरे पास बचे होंगे मैं आपको दिखाऊंगा, और ये मैं चैलेंज करता हूँ, एक डिज़ाइन भी मेरी शॉप का अगर आप पूरे जम्मू में ढूंढ लोगे ना, मैं मेरा जितना पीस पड़ा होगा मैं फ्री दे दूंगा। ऑलरेडी मेरे पास जब मेरी राखी पे ब्लॉग बने थे तब भी काफ़ी सारे बंदे आए थे, उन्होंने बोला था, काफ़ी सारे वहाँ पे कमेंट थे वीडियोस में कि ऐसा डिज़ाइन तो पूरे जम्मू में नहीं हमने देखा। और हाँ, मेरी जब मेरी थोड़ी सी ये ब्लॉग आउट हुआ मेरा यूट्यूब में, फिर पके डंगे वालों ने कुछ बंदों ने कॉपी बनाई। अच्छा। वो भी पूरा पाकिस्तानी डिज़ाइन ही था, वो कॉपी थी, क्योंकि पूरी पाकिस्तानी डिज़ाइन और काइट में फ़र्क था। मैंने करवाई थी हैवी डिज़ाइनिंग, गुड्डी मेरी टाइट थी, उन्होंने क्या किया थोड़े ढीले गुड्डे बना लिए, ऊपर वो उल्टे सीधे पाकिस्तानी छापे लगा दिए, तो बन गए पाकिस्तानी का। वो ऐसा नहीं था, मेरे पास 1.5 तावा पाकिस्तानी था, वो खत्म हो चुका है, वो आउट ऑफ स्टॉक है। अच्छा, जो 1.5 तावा तो पाकिस्तानी नहीं है। पाकिस्तानी नहीं, आउट ऑफ स्टॉक है, वो खत्म हो चुका है। तो ये 3 तावों में हमें पाकिस्तानी डिज़ाइन, हाँ ये आपको डिज़ाइन मिलेंगे। अब ये डिज़ाइन देख लो, ये भी आपको कहीं नहीं, ये मैंने नहीं देखा, मैंने दो, ठीक है, ये डिज़ाइन देखो, ये डिज़ाइन देखो। अभी आपको मैंने जम्मू में 4 फीट का गुड्डा रेडी करवाया, जबकि जम्मू में बनाता कोई नहीं है 4 फीट का गुड्डा, और कुछ लोग जो बनाते हैं ना वो उसी गुड्डे को बोलते हैं ये 6 फीट का गुड्डा है, और कस्टमर को इतनी नॉलेज नहीं होती है। अब जब मैंने अंदर डिस्प्ले किया था ना वो 4 फीट का गुड्डा, तो बहुत सारे कस्टमर आए राखी पे, भैया 6 फुट क्या रेट है? मैंने कहा ये 6 फीट का नहीं है, ये 4 फीट का, भैया आपका 4, हाँ ये आपका 4 फीट का गुड्डा। मैंने कहा हाँ ये 4 फीट, ये 150 का है, 6 फीट का वो मैं दिखाता हूँ वो क्या होता है 6 फीट का गुड्डा। अब ये हमने लाई थी 3 फीट की पतंग लाई थी, ठीक है, ये राखी पे आई थी, सेल हो गई, अब ये 2 ही पीस बचे हैं, ठीक है, राखी पे आई थी ये भी, इसमें काफ़ी सारे पाकिस्तानी डिज़ाइन थे वो सारे ख़त्म हो गए, अब ये सिर्फ 2 ही पीस बचे हैं, दोनों कनाडा वाले। ये 3 फीट की पतंग है, पतंग देखो वीडियो में तो आपको ऐसा लगेगा छोटी सी, ये देखो देखो मैंने पकड़ी कैसे है, देखो ऐसे पता चलेगा कहाँ से पकड़ी है, फुल साइज की पतंग है, 3 फीट की पतंग है। ये तो छोटी आ गई अपनी, ये 5-6 गिट्ठी की होती है, इसका गिट्ठी का हिसाब होता है। ये बटर पेपर में है, तो ये 80 की है, छोटी वाली 50 की है, बाकी जो शॉप में विजिट करेगा बड़ी वाली आपने कनाडा वाली, ये 300 का पीस है, 300 ये 100 रुपीज़ पर पीस है, 100 रुपीज़ पर पीस, ठीक है। बाकी जो छोटी वाली ये आपको मैंने बताया रेट कि 200 रुपया दर्जन है, ऐसे 20 की एक है, बाकी जो शॉप में विजिट करेगा वो हम जो भी हमसे होगा डिस्काउंट हम करेंगे, जो हमसे होगा, ठीक है। बाकी आपको दिखाते हैं, जब जो मेरे पास स्टॉक जो बचा हुआ है 6 फीट का, 4 फीट का, 6 फीट की मच्छी, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि उसको क्या बोलते हैं, इसको स्टॉक काफ़ी कम है। नेचुरली बात है कि जन्माष्टमी आने वाली है, तो स्टॉक जो बाकी कुछ डिज़ाइन मैंने बाहर डिस्प्ले किए थे, 3 फीट में, 4 फीट के थे कुछ, ये हैं अब यही डिज़ाइन है, ये देखो, और ये पाकिस्तानी गुड्डे पर गुड्डा आपको 100 रुपये का ये यहाँ से मिल जाएगा, और भैया की शॉप पे विजिट करो यार तो रीजनेबल रेट्स में ये देखो जितना भैया से हो रही है उतना आपको यहाँ पे रेस्ट भी करेंगे। ये देखो मेरे पास यही बचे हुए हैं, अब ख़त्म ही ख़त्म है, अब ये बनता भी नहीं है, क्योंकि राखी पे 8 दिन के अंदर ये 6 फीट की है, देखो ये भी पूरी पाकिस्तानी है, क्या बात है, इसलिए मुझे थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि वीडियो में आनी नहीं है, आएगी नहीं, ये प्रॉपर 6 फीट की है, फुल पाकिस्तानी थी। मेरी हाइट से ऊपर है, ऊपर है मेरी हाइट, ये 6 फुट है प्रॉपर, ये पूरी 6 फीट की है, ये भी पाकिस्तानी है, ये भी मैंने जम्मू में रेडी करवाई, ठीक है, आप पूरा जम्मू घूम लो किसी के पास 6 फीट की मशीन ही होगी। मैंने ये मेरे पास अब किसके आई थिंक 10-12 पीस बचे होंगे, ठीक है, मुँह राखी पे निकल गए हैं। तो ये इसका प्राइस है 250, प्राइस मेरे जेन्युइन है। अब मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ, जब हम एक स्टेट से वहाँ की चीज़
अपने स्टेट में लाएंगे उसका रेट बढ़ेगा कम नहीं होगा, ठीक है। अब जो मैंने गुड्डा रेडी करवाया ना अमृतसर पे, इसी गुड्डे की प्राइस अमृतसर में 120 से 180 तक है। आप जितना हैवी डिजाइनिंग करते जाओगे उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी। मैंने यही गुड्डा जम्मू के अंदर 100 रुपये का सेल किया, ठीक है। अब ये है जैसे ये आ गई आपकी पाकिस्तानी मशीन 3 फीट में, ये 3 फीट की है, ठीक है। ये अमृतसर में 100 रुपये की सेल होती है, मैं अपनी शॉप में 80 रुपीज़ की सेल कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ अभी भी 80 की दे रहा हूँ। और ये मच्छी है, हाँ ये मच्छी 3 फीट की है, ये वो नहीं है जैसे आपने देखी छोटी, इसकी चुड़ाई देखो मछली, ये इसकी चुड़ाई देखो, ये होती है प्रॉपर मछली, मछली की चुड़ाई देखो कितनी लंबाई तो है ही, चुड़ाई देखो। कुछ लोग बनाते हैं ऐसे बिल्कुल फ्लैट, बस छोटी सी चुड़ाई यहाँ इतनी होती है, यहाँ तक लंबी कर देते हैं, ये होती है प्रॉपर मछली, चुड़ाई देखो मछली। और ये पाकिस्तानी डिजाइन थे इसमें, इसमें बचे हुए ये भी थोड़े से लिमिटेड है, लिमिटेड 20 है भाई, क्योंकि राखी पे निकल चुका है ये स्टॉक। तो अभी जन्माष्टमी में 8 दिन बचते हैं, बीच में बारिशें इतनी हो रही हैं तो माल रेडी नहीं हो पाया, तो इसलिए राखी पे भी बहुत कैरी उठी है जब हुए, लेकिन इसलिए बारिश की वजह से सारा काम थोड़ा खराब। बाकी ये आगे अपने 6 फीट के पूरे बेडरूम में, ये पूरा कितना, ये पूरा राखी पे, ये दोनों कमरे पूरे फुल थे, फुल थे। ये इनका साइज के ये भी 6 ये 6 फीट के हैं, वो 4 फीट का। अच्छा वो ब्लैक वाला, हाँ वो 4 फीट का, ये 6 फीट के। बाकी अगर किसी ने, अब चलो ये सीजन तो निकल गया, मैं फिर भी एक मैसेज देता हूँ, बड़े बड़े सारे ऐसे कस्टमर आए कि भैया यार हमने काइट कस्टमाइज करवानी है। अच्छा। तो वो भी हो जाती है, बट उसके लिए आपको कम से कम भी 1 मंथ पहले बोलना पड़ेगा, हाँ क्योंकि मैं अमृतसर से रेडी करवाता हूँ, मेरी जम्मू में नहीं बनती है, कि अगर आप आज बोलोगे और 3-4 दिन के बाद मैं आपको बना के दे दूंगा, ऐसा नहीं होगा। ये मैंने अपने करवाए हैं कस्टमाइज। अच्छा ये हाँ, ये मैंने अपने खुद के लिए उड़ान, मैंने उड़ाने हैं जन्माष्टमी में। अच्छा। ये खुद के मैंने कस्टमाइज करवाए हैं अपने खुद, ये सेल के लिए, ये 6 फीट का पूरा। ये धागा भी होता है हमारे पास, धागा भी है अभी मेरे पास, लकड़ी ये 16 तार की चरखी होती है जिसको काला संगल बोलते हैं, ठीक है, 16 तार की, 16 दागों का एक धागा बनता है वो, ठीक है, वो इतनी मजबूत होती है, ठीक है, उसी से ये गुड्डे उड़ते हैं। और मेरे पास अभी ख़त्म है वो। अच्छा। वो शाम को आ जाएगी क्योंकि मेरा माल अमृतसर से आ रहा है, तो मे भी 6-7 बजे तक माल मेरा पहुंच जाएगा, ठीक है। तो भैया अगर दाऊ की बात करें, जैसे अभी तो गड्डू जो है वो टोटली बैंड है, तो अगर आपके पास अच्छी चरखड़ी वगैरह आता है, सबसे अच्छी चरखड़ी जो होती है वो है 16 तार, ठीक है। हम अगर हम इंडिया की बात करें तो 16 तार के ऊपर धागा बनता ही नहीं है, 16 तार लास्ट है, ठीक है। बाकी अगर किसी ने अपना कुछ करवाना हो तो पहली बात है वो धागा मिलता ही नहीं उसके ऊपर, ठीक है। दूसरी स्टेट में कॉन्टैक्ट करना पड़ता है धागा। अब 1-2 रील के लिए आप कॉन्टैक्ट कर रहे हो, स्पोज आपको बरेली में अगर मिल रहा भी है उससे 16-24 का धागा, वो धागा कितना कॉस्टली पड़ जाएगा, 2 कच्ची रील लानी है, फिर लगवानी है, बनवानी है, तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। तो कस्टमर के माइंड में होता है कि यार इतनी कॉस्टली धागा हमने लेना क्यों है, तो यही है। आपके पास अवेलेबल कितनी धागा? 16 तार जो सबसे अच्छी, वो भी नहीं है, वो अभी स्टॉक में ख़त्म है, वो शाम, हाँ 12 तार की है वो। आप कुछ लोग होते हैं कि ये लो 12 तार की चरखी, आप बड़े गुड्डे उड़ाओ, ये उड़ाओ, मैं एक ही चीज़ क्लियर करता हूँ। देखो मेरी अपनी शॉप है ना, मुझे इसमें 14 ईयर हो गए, ठीक है। अब मेरा क्या, मेरा एक ही सिस्टम है शॉप पे, अगर मेरी शॉप में कोई कस्टमर विजिट कर रहा है ना, वो हैप्पी होके जाए, ठीक है। ये नहीं हो कि मैंने रेंट पे शॉप लिया, चला आया यार, लगाया टोका तो दे दिया, नेक्स्ट ईयर पता नहीं शॉप मिलेगी नहीं मिलेगी। हाँ तो मेरा यही होता है कि जो कस्टमर अगर एक बार आज मेरी शॉप पे विजिट किया ना, नेक्स्ट ईयर फिर मेरे पास आए। तो हम अपना ये होता है 12, जैसे कि 12 तार की चरखी मैं आपको बोल रहा था, उसमें ये है, कुछ लोग बोलते हैं आप जितनी मर्जी बड़ी पतंग उड़ाओ, नहीं उड़ती, 3 फीट वाला गुड्डा भी उससे अच्छे से नहीं उड़ता, अगर थोड़ी सी तेज़ हवा हो, अगर गुड्डा हावी होगा ना टूट जाएगा, उससे सिर्फ 1.5 तावा उड़ता है। जो 16 तार की है ना, उससे गुड्डा उड़ता है, क्योंकि वो पहली बात तो यह है कि आपका कारीगर अच्छा होना चाहिए लगाने वाला, ठीक है। अब ये पतंग बनी है, ठीक है, सिटी में भी गुड्डे हैं और भी शॉप पे है, ठीक है, कोई दे रहा 180 का, कोई 150 का, ठीक है। मेरे पास भी काफ़ी सारे कस्टमर आए भैया वो इतने का दे रहा है, तो मैंने उनको सिंपल सी एक ही बात बोली थी कि मैंने तरपाल रेडी नहीं करवाया, ठीक है, मैंने गुड्डा रेडी करवाया जिसको गुड्डा बोलते हैं, मैंने तरपाल नहीं रेडी करवाया। मैं आप वो गुड्डा लाओ, मेरा एक सिंगल गुड्डा चेक करो, मैं पता चल जाएगा क्या फ़र्क है मेरे इतना प्राइस क्यों है गुड्डे का। एक तो मैं आपको पाकिस्तानी डिज़ाइन दे रहा हूँ, कितनी हैवी डिज़ाइनिंग की है, ठीक है। गुड्डा पता कितना हैवी है, ये हाथ काटने वाले गुड्डे मैंने बनवा, हाथ काटने वाले गुड्डे बनवाए मैंने। अब जो दूसरे होते हैं इसको कर दो खड़ा, ठीक है, देखो गुड्डा हिलेगा नहीं, दूसरे होंगे त्रिपाल वो ऐसे बेंड हो जाएंगे, ठीक है, वो देते हैं जी वो, हाँ वो 150 का है जी, 130 का। तो भाई अगर आप पैसे दे रहे हो तो आपको चीज़ भी तो वैसी मिल रही है ना। इसका प्राइस कितना है? ये भैया 250 का है, हाँ ये 250 का है। इसमें आपको पूरे पाकिस्तानी डिज़ाइन मिलेंगे, देखो कितने हैवी डिज़ाइनिंग करवाई होगी,
ये भी मैंने गुड्डा अपना कस्टमाइज करवाया। अच्छा ये भी, हाँ इसमें राजपूत लिखा हुआ है। ये देखो ये सारा डिज़ाइन फर्स्ट टाइम आया था जम्मू में, और ये मैंने खुद स्क्रीन शॉट मार के अपने कारीगर को दिए थे कि ये मेरे को ऐसा माल चाहिए, ये डिज़ाइन चाहिए, और गुड्डे मुझे बारी चाहिए, मुझे वो तरपाल नहीं चाहिए। या सिटी में भी काफ़ी प्लेन गुड्डे गए, ये मेरा प्लेन गुड्डा है, ये देखना गुड्डा कितना टाइट है। ये नहीं कि मैंने सिर्फ पाकिस्तानी डिज़ाइन ही गुड्डे टाइट करवाए हैं, ये पूरा वाइट गुड्डा है, देखना गुड्डा कितना टाइट है। और पेपर देखो ट्रांसपेरेंट पेपर लगा है इस पर, वो ये नहीं कि हल्का पेपर लगा दिए तो हल्की चीज़ बना दी है। हाँ ये पूरे पाकिस्तानी गुड्डे है। देखो अगर कोई कारीगर चीज़ बनाता है ना, उसको आप बोलोगे कि यार हमने ये चीज़ बनानी है, प्लेन गुड्डा होगा ना वो दिन के 30 बनाएगा। सही है। अगर हमने ये चीज़ें उसमें कस्टमाइज करवानी है वो दिन के 10 गुड्डे में बना पाएगा। सही बात है। तो उसके पैसे तो लगते ही हैं, वो पैसे तो भरने ही पड़ते हैं। अब ये जैसे सिंपल सी समझाओ, ये प्लेन गुड्डा है, ऐसे 30 बनाएगा, जब उसको बोलेंगे ये सारी चीज़ें कर रही हैं तो इसमें टाइम लगता है। ये देखो ये सारी कटिंग काटनी पड़ती हैं। सही बात है। ठीक है, ये छोटे छोटे काट के चिपकाने तो इसमें टाइम लगता है, तभी ये गुड्डे थोड़े प्राइस वाइज थोड़े हाई होते हैं, मगर उड़ाने का मज़ा भी नहीं का। मैं जम्मू में फर्स्ट टाइम लाई, और मैं सच बताऊँ ये सारा ट्रेलर था। अच्छा पिक्चर, अगर सब कुछ अच्छा रहा ना पिक्चर मैं नेक्स्ट ईयर दिखाऊंगा। लोग बोलते हैं ना छेतावा गुड्डा, ये गुड्डा मैं आपको बटर पेपर में बना के बताऊंगा। ये छेतावा गुड्डा, छेतावा गुड्डा बटर पेपर में, और डेढ़ तावे गुड्डे में फुल, जैसे ये डिजाइनिंग है ना, ये आपको डिजाइन में डेढ़ तावा गुड्डे में ला के दूंगा, डेढ़ तावे में। यह कि थोड़ी प्राइस उसकी हाई होगी, सिंपल सी बात है, अगर उसमें काम अच्छा होगा डिजाइन आपको फुल फैंसी हैवी डिजाइन मिलेगा तो उसकी प्राइस भी होगी। तो ये चीजें बटर पेपर में रेडी करवाऊंगा, कोई करता नहीं है छेतावा गुड्डा बटर पेपर में। छेतावा ये साल ट्रेलर था, पिक्चर में नेक्स्ट ईयर दिखाऊंगा। अभी अब मेरे पास स्टॉक नहीं, मैं आपको पाकिस्तानी पतंगे दिखाता जो मैंने कस्टमाइज करवाई थी ना, खुद रेडी करवाई थी, खुद इतने प्यारे प्यारे डिजाइन थे, फुल पाकिस्तानी। वो राखी से पहले थोड़ा सेल हो, हाँ वो ये दोनों रूम भरे हुए थे, ये 200 पीस था ये वाला। अच्छा, ये बचे हुए हैं मेरे पास। 500 पीस मेरा 3 फीट वाला था, फिर उसके बाद मेरे को कम पड़े थोड़े से, मैंने पकड़ लगे से खुद कैरी किए थे वो, कम कम पड़ गए थे, नहीं बचा मेरे पास, तो मेरे को वो थोड़ा लाना पड़ा, क्योंकि जब मैंने बात की पीछे पीछे बारिश है, आपको पता काफ़ी चल रही थी, उसकी वजह से माल बन ही नहीं पाया, ये चक्कर था। तो यार भैया आप जो है ये नागा दिखाने वाले हैं, जो ये 12 तावे, बेगे पास 16 तावे भी है, लेकिन एक्चुअली माल मेरा आ रहा है, अभी मैं निकल रहा हूँ। ठीक है, तभी मैंने पापा को बुलाया शॉप पे, मैं निकल रहा हूँ अभी। ठीक है, आई थिंक 1 घंटा लगेगा, बगे शाम या कल बंदा अगर आए उसको, अभी रात को 8 बजे, जब 8 बजे के बाद जो मर्जी है जो मिले। ठीक है, उसको 16 तार मिल जाएगा। तो एक बार 16 तार का प्राइस भी बता दो आप। 16 तार की भैया जो 3 रील की है ना, उसमें 2 ही वेरियंट आते हैं, 3 की आती है, 6 डबल की आती है। ठीक है, जो 3 रील की प्राइस है वो 800 है, और जो 6 डबल की है वो 1400 है। ठीक है, जो भी आपके हाथ में ये 12 तार है, ये 12 तार है, अभी जो भी मेरी शॉप में चलती है बड़ी ना, सब छोटी है। 12 तार से सीधा जंप करके हम 16 तार पे आते हैं, ये 14 तार 15 तार ऐसा कुछ नहीं होता, धागे का होता है, जैसे 9 तार तो हम काफी टाइम से यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, 9 तार का जो हम पांडा यूज करते थे पहले। ठीक है, जब हमारे जम्मू में धागा लगता था। ठीक है, तब 9 तार ही करता था। ठीक है, ये जब से थोड़ा ये गट्टू का होगा ना चक्कर, उसकी वजह से सारा काम खराब हो गया। 9 तार का धागा गट्टू उसको होता कुछ नहीं, उसके अब 12 तार और गट्टू का आपस में वो हो तो 16 वाला गट्टू के साथ पंगा ले सकता है। अब जब मार्केट में आया इसकी सेल इम्प्रूव हुई। ठीक है, जब ये चीज इम्प्रूव हुई कंपनी ने क्या किया, 16 तार का दावा लाया, अब 16 का आ रहा है लास्ट 3 साल से। ठीक है, टॉप अप सेल जा रही है। ठीक है, मेरे पास इतने पीस थे ना वो शॉर्ट ही शॉर्ट हो रहे, अभी मेरे पास 2 कस्टमर वापिस गए। ठीक है, ये राखी के ले गए थे और 16 तार ही चाहिए, 16 तार ही चाहिए, भैया 16 तार वाला गेट में पता क्या सबको क्रेज है, बड़ी पतंग उड़ानी, नेचुरली बात है, बड़ी पतंग उड़ानी है, बड़ी पतंग, अब बड़ी पतंग उड़ानी उसके लिए धागा भी अच्छा चाहिए। 16 तार से 6 तार भी उड़ जाता है गुड्डा, 6 तार, और इस वाली से देखो ना ये 12 तार का ये कितना मोटा है। ठीक है, वो 16 आएगा वो इससे भी मोटा है। तो जो ये 12 तार वाला है इसे मैक्सिमम कितनी तावे वाली गुड़ी उड़ा सकते हैं? ये तो 1.5 तावा, इसे 3 तावा पड़ा है ना, ये भी उड़ेगा, बाकी तो मैक्सिमम दुकानदार ये बोलते हैं आप इसे ये उड़ाओ इसे वो उड़ाओ, ऐसा कुछ नहीं था, ये भी उड़ेगा, बढ़िया टूट जाएगा, उड़ जाएगा। अगर जैसे आप राखी जन्माष्टमी आप उड़ाओगे, कुछ क्या होता है कटी हुई पतंगे आती है, उसका धागा ऊपर पड़ता है। ठीक है, वो धागा ऊपर पड़ता है ना, ये धागा इतना ही है, इतना मोटा ही है। ठीक है, ये टूटेगा ही टूटेगा। ठीक है, तो इसका प्राइस बता दो भैया, 12 तार में 4 इंच की है, ये 500 की मिल जाएगी। मेरे प्राइस गाइड के हो चाहे धागे के हो, सब रीजनेबल होता है, सब जो जो मेरी शॉप के बिजनेस उनको पता है।
बिल्कुल अब तो एंडी है, दो दिन की बात है, दो दिन की बात है, तो जो मेरे पास स्टॉक था मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, बाकी नेक्स्ट ईयर मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा। ठीक है, काइटें क्या होती है, डिजाइनिंग क्या होती है और बटर पेपर में। ठीक है, और मेरी कोशिश यही होगी कि मैं जर्मन पेपर में रेडी करूँ, सबसे अच्छा पेपर होता है जर्मन, सबसे कॉस्टली, उसकी काइट काफी कॉस्टली पहुंच जाएगी। ठीक है, और हमारे जम्मू के लोगों को इस चीज का नहीं, वो बस ये गुड्डा ये इतने का सही है, उनका ये होता है ये गुड्डा इतने का, भाई उसका इतने का तो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। सही बात है, इसमें जो कारीगर ने मेहनत की है, डिजाइनिंग डाली है, इसके चार्जेस होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जम्मू में यही होता था, यही मिलता आग दिल बूद आग दिल बूद। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ तो डिफरेंट करो यार, कुछ तो डिफरेंट करो। तो मैंने इस साल ये थोड़ा उठाया स्टेप, तो कोशिश की और नो डाउट है कोशिश मेरी काफी सक्सेसफुल रही। बिल्कुल, अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे, जो जो कस्टमर आया हर बंदे ने, इससे पहले जो मेरे ब्लॉग आउट हुए थे बहुत सारे कस्टमर आए ब्लॉग के, इवन की पंजाब के बंदे आए थे मेरे पास। क्योंकि यहाँ पता क्या होता है, जैसे जानीपुर में ना लोगों को नॉलेज, क्योंकि जो भी बंदा है वो चलता है, चलो यार कट छोड़ चलते हैं, है ना, सीधे वहाँ से जाके अड्डा आते हैं। एक मैसेज है, हाँ। लोग ये सोचते हैं ना कि पक्का डंका या किसी जगह हम है, पर वहाँ पे ज्यादा लूटते हैं, वो होलसेल मार्केट है। बिल्कुल, उनका भी ये क्लियर कर दूं, उनको लगता है कि वो हम है, वो होलसेल है, नहीं अरे भाई वो होलसेल हम लोगों के लिए, कस्टमर्स के लिए नहीं है। आप लोग वहाँ से एक दर्जन काइट लेके आना, बताना मुझे किस रेट में लाई थी। बिल्कुल, मैं दूंगा आपको एक दर्जन काइट। सही बात है, वो हम लोगों के लिए होलसेल है, जिन्होंने लाखों रुपए का माल उठाना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने दर्जन दर्जन काइट उठानी, आप सोचते हमें सस्ती मिल रही है। बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं है, और रिटेल से भी ज्यादा रेट लगता है। बिल्कुल, तो गाइस ये थी राजा भैया की शॉप, और जो जानीपुर पे आने वाले हैं वो तो इन क्वालिटी जानते ही होंगे। ठीक है, सो आज की जो वीडियो है हम यहीं पे एंड करेंगे। तो भैया की शॉप पे हमें काफ़ी जो रीजनेबल प्राइसेस उन्होंने बताए यहाँ पे, हाँ बाकी शॉप पे विजिट करो यार भैया, पक्का आपको डिस्काउंट करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लास्ट खाली हाथ नहीं भेजेंगे भैया। ठीक है, तो आज की वीडियो में यार इतना ही, तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, बाय।